व्हाट्सअप गाइस, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक स्पूकी और हॉरर इंट्रो, जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे फिल्मोरा एक्स के अंदर। सबसे पहले गाइस, हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल। तो टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइटल्स में जाएंगे और डिफॉल्ट टाइटल को ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड देन इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे। इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड देन हम फॉन्ट के साइज को चेंज करेंगे 42 पे और यहाँ पे हम लोग हमारा टेक्स्ट एंटर करेंगे। टेक्स्ट सेंटर करने के बाद में कंट्रोल ए करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, देन इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। आप पोजीशन को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। देन एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसके शेडो को ऑन करेंगे और शेडो टाइप को सिलेक्ट करेंगे। देन शेडो कलर को हम लोग यहाँ से ग्रे में सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर देंगे 50 पे एंड ब्लरनेस को हम लोग कर देंगे 9 पे। अब गाइस, इसमें हम लोग देंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इवेपोरेट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी ड्यूरेशन को हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसकी ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब गाइस, हम लोग इसके अंदर देंगे कि हमारा टेक्स्ट व्हाइट से रेड के अंदर कन्वर्ट हो। तो उसके लिए हम लोग मीडिया में जाएंगे, सैंपल कलर में रेड को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग सेट करेंगे 2 सेकंड पे। रेड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंड मोड को हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लाई पे एंड ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे ट्रांजिशंस के अंदर और यहाँ से डिसॉल्व को ड्रैग करके रेड के ऊपर ड्रॉप करेंगे। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो व्हाइट से रेड के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी तरह से गाइज, हम लोग फर्दर क्लिप क्रिएट करेंगे। तो मैं जल्दी से फर्दर क्लिप क्रिएट कर देता हूँ। अब गाइज, हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा फाइनल टाइटल। तो फाइनल टाइटल क्रिएट करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग कुछ लेयर ऊपर शिफ्ट करेंगे। कुछ लेयर ऊपर शिफ्ट करने के बाद में टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग हमारा फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे एंड टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है द डेविल नेट। अब गाइज, इसके साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो साइज हम लोग यहाँ से इंक्रीज करेंगे 70 पे एंड देन हम लोग हमारा यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के बाद में इसको हम लोग सेंटर अपर में अलाइन करेंगे। देन हम लोग जाएंगे एडवांस टैब के अंदर और यहाँ से इसके शेडो को हम लोग ऑफ कर देंगे। अब गाइज, हम लोग हमारे रेड कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके साइज को हम लोग रिड्यूस करेंगे ताकि जो हमारा वेवरी हिल्स है केवल यही रेड कलर के अंदर हमें शो हो। अब गाइज, हम लोग हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। कॉपी क्रिएट करने के बाद में इसको ड्रैग करके हम लोग इसके नीचे अलाइन करेंगे। देन इस पर डबल क्लिक करके इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। इसके साइज को हम लोग कर देंगे 120 पे एंड देन हम लोग यहाँ से टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में टी की स्पेस छोड़ देंगे एंड देन हम जाएंगे टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर और यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग को 10 पे रखेंगे और हॉस्पिटल को अलाइन करेंगे वेवरी हिल्स के नीचे कुछ इस तरह से। अब गाइज, इसमें मैंने टी की ऑलरेडी ही टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करी हुई है तो उसको हम लोग सिलेक्ट करके और इसके नीचे अलाइन करेंगे। हमारी बाकी लेयर्स को हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। टी वाली फाइल है इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग रिड्यूस करेंगे अराउंड 75% पे एंड देन इसको ड्रैग करके अलाइन करेंगे हम लोग। अब गाइज, इसके अंदर हम लोग देंगे कुछ एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें देंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशंस में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इवेपोरेट 1 और इसको टी के ऊपर ड्रॉप करेंगे स्टार्टिंग में एंड देन इसको हम लोग अलाइन करेंगे टेक्स्ट के साथ में। अगेन इस इवेपोरेट सेलेक्ट करेंगे और टी के एंड में इसको ड्रॉप करेंगे और इसको अलाइन करेंगे हम लोग टेक्स्ट के साथ में। टेक्स्ट के साथ में अलाइन करने के बाद में हम लोग इसके अंदर देंगे एनिमेशन। तो डबल क्लिक करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे, कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे, अगेन ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे 180 डिग्री पे एंड देन इसकी वाई एक्सेस को हम लोग सेट करेंगे। हल्का सा एक्स एक्सेस को सेट करेंगे परफेक्ट एंड इसकी ड्यूरेशन को हम इंक्रीज कर देंगे। अब गाइज, हम लोग हमारे रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड देन इसको ड्रैग करके टी टेक्स्ट वीडियो फाइल के ऊपर वाली लेयर पे इसको अलाइन करेंगे। देन रेड कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज करेंगे ताकि जो हमारा टी है वो रेड कलर के अंदर आए। तो अब हमारा वेवरी हिल्स और टी केवल रेड कलर के अंदर रहेगा। अब गाइज, हम लोग हमारी इस क्लिप को करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने से पहले हम लोग इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स देंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें इफेक्ट देंगे ओल्ड वीडियो का। फिल्टर्स में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ओल्ड वीडियो, इसको ड्रॉप करेंगे टॉप लेयर के ऊपर एंड इसके साइज को हम लोग यहाँ से इंक्रीज करेंगे।
अब गाइस ओल्ड वीडियो के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फेड को हम लोग 300 की बजाय 100 पे कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा शेक इफेक्ट देंगे, तो शेक के अंदर जाएंगे, माइल्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे टॉप लेयर के, एंड देन शेक के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम लोग रिड्यूस कर देंगे 25 पे एंड ओके प्रेस कर देंगे। देन राइट क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, 5 सेकंड की जगह 26 सेकंड पे इसको कर देंगे। अब गाइस हम हमारी क्लिप को एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे हॉरर टाइटल और इसको डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग एक्सपोर्ट कर दें। अब गाइज हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो ये कंट्रोल ए करके इन सारी क्लिप्स को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड मीडिया टैब के अंदर जाके इस टी क्लिप को भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारी सपोर्टिंग फाइल्स को, सपोर्टिंग फाइल्स को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करी थी। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, हॉरर टाइटल इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस हम लोग यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड क्लिप को ड्रैग करेंगे और इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे। टाइमलाइन पे ड्रॉप करने के बाद में जो हमने अभी हॉरर टाइटल जो हमने टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करी थी उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे, देन उस पर डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंड मोड को उसको स्क्रीन कर देंगे, ओके क्लिक करेंगे। अब जो हमारा क्रैक लेंस है इसको ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड डबल क्लिक करके इसके ब्लेंड मोड को भी हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे। अब गाइस इसमें एक और क्रैक को ऐड करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे अराउंड 400% पे एंड देन इसकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। आप लोग इसकी पोजीशन को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं एंड देन राइट क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्लिप की ड्यूरेशन है उसके साथ में इसको मैच करवाएंगे, देन उसके बाद हम प्रेस कर देंगे ओके पे। अब इसके अंदर हम लोग देंगे फ्रेम ग्लिच, तो उसको हम लोग ड्रैग करेंगे टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड अगेन इसके भी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर दें। अब गाइज इसमें हम लोग डालेंगे स्मोक इफेक्ट, तो स्मोक फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर टॉप लेयर के ऊपर ड्रॉप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे स्मोक के ऊपर और इसके ब्लेंड मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे एंड ओपेसिटी को हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर देंगे अराउंड 50% पे, ओके पे प्रेस करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग डिक्रीज करेंगे 5 सेकेंड पे। स्मोक को कॉपी करेंगे, 2 सेकंड्स आगे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, अगेन 2 सेकंड्स आगे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे एंड द लास्ट वन अगेन 2 सेकंड आगे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब गाइज हम लोग हमारी क्लिप में डालेंगे सिनेमैटिक बार, तो इफेक्ट के अंदर जाएंगे, ओवरले के ऊपर जाएंगे और फ्रेम्स में जाएंगे और यहाँ पे सिनेमैटिक बार्स को सिलेक्ट करेंगे सिनेमा 21:9 और इसको ड्रैग करके टॉप लेयर के ऊपर ड्रॉप करेंगे, देन इस पर राइट क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे 5 सेकंड की जगह 28 सेकंड एंड ओके पे प्रेस कर देंगे। अब गाइज ये हमारी क्लिप ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हमको डालना है बैकग्राउंड ऑडियो या फिर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे मीडिया के अंदर, बैकग्राउंड फाइल को ड्रैग करके सीधा ऑडियो लेयर ट्रैक के ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड वी आर रेडी टू गो। अब हम इसको सीधा एक्सपोर्ट कर देंगे, तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइनल हॉरर बाय एबी प्लैनेट एंड अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। अब गाइज हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो सीधा चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और देखते हैं कैसा लगेगा हमारा ये इफेक्ट। सो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग स्पूकी और हॉरर इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं फिल्मोरा एक्स में कुछ सपोर्टिंग फाइल्स की हेल्प से। सारी सपोर्टिंग फाइल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप भी स्पूकी या फिर हॉरर इंट्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उन फाइल्स का यूज कर सकते हैं। प्लस गाइज अगर आपको ये इंट्रो पसंद आया हो हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।